So hello and a very good morning YouTube. So welcome to my new vlog. So I was reading the comments from past 2 days. तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स यही थे कि हमारी लैंग्वेज यूज़ करो बल्कि. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वही लैंग्वेज में हम वीडियोस बनाएंगे अब. तो अगर आपको कुछ रिकमेंडेशंस देना है करना है तो कमेंट करो. आई विल बी चेकिंग द कमेंट्स. और इंस्टाग्राम पे डीएम करो, डीएम्स में पढ़ते रहता हूँ. तो एज आई एम स्टार्टिंग दिस नाउ, मेरे भी जो है उतना आइडिया नहीं रहता गलती कहाँ हो रही क्या है. तो यू कैन से मी थ्रू द कमेंट और थ्रू डीएम. तो द बाइक इज नाउ कोल्ड स्टार्ट. तो बेसिकली कोल्ड स्टार्ट के टाइम पे आपको रेव नहीं देना है. 10-15 सेकेंड बाइक को जो है ब्रीथ करने देना है, क्योंकि इससे क्या होता बोले तो बहुत टाइम से गाड़ी जब अंदर रहती तो ऑल द ऑयल जो रहता चैम्बर में छिप जाता. तो पिस्टन्स आपके ऑल ड्राई रहते, तो वेन एवर यू थ्रॉटल और रेव द बाइक तो पिस्टन कैच होने के चांसेस बहुत रहते. तो नेवर एवर डू दैट. यप. तो आज जो है हम राइड का तो प्लान कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जो है सडनली जो है ब्रेकफास्ट के वास्ते निकलेंगे बोल के सोचे थे. तो नियरली 15 किलोमीटर्स पे जो है हमारा टोलगेट रेस्टोरेंट है, तो उधर जाके ब्रेकफास्ट कर लेके आएंगे बोल के सोचे. तो यप लेट्स गो. सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो बहुत सारे लोग हैं जो है दे हैव शोन देयर सपोर्ट. तो आई रियली अप्रिशिएट देम एंड इट वुड बी मोटिवेटेड मी मोर अलॉट एंड अलॉट. बहुत मोटिवेशन दिया मेरे को. तो यप. तो अभी तो जो है मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़ा टाइम निकाल के जो है व्लॉग्स अपलोड करेंगे कंटिन्यूस एंड विल बी रेगुलर ऑन द व्लॉग्स. तो अभी तो 3 डेज से मेरा ऑफ चल रहा था कॉलेज से. तो द रीजन बिहाइंड नॉट गोइंग फॉर ए संडे राइड, तो मेरी वन ऑफ माई फिंगर गॉट इंजर्ड, यही रीजन था संडे राइड को नहीं जाने का. क्योंकि मेरे को इवन थ्रॉटल भी सही देने नहीं आ रहा था, तो वैसी कंडीशन थी मेरी. तो अभी तो उसका रिकवरी हो गया मैक्सिमम टू मैक्सिमम. तो नाउ आई एम फीलिंग वेल. तो अब एक वो राइड मिस कर दिया बल्कि ये राइड पकड़ना पड़ा अभी. तो आई एम ऑन ए सोलो राइड, तो इसका प्लान भी कुछ भी हुआ नहीं था, सडन निकल गए. तो यप. So many of you have the question why I started vlogging. It's my passion. तो मेरे को टॉक था कि करेंगे, चलो vlogging करेंगे. So अपनी life को explore करेंगे और let us inspire others. तो ये motivation से. The bike is the one of the reason behind it. सो करेंटली जो है मैं कैमरे के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ. तो होपिंग दैट कंटिन्यूस व्लॉग्स बनाते बनाते जो है फ्रेंडली हो जाते. इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत मज़ा आता. तो अभी तो बहुत प्लान्स है मेरे, बहुत बहुत बोले तो बहुत प्लान्स है. तो वन ऑफ द रीजन स्टॉपिंग मी इज टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है.
ये ब्लॉगिंग के लिए जो है मैं अपनी स्टडीज़ को रिस्क में नहीं डालना चाह रहा हूँ, तो वो मेरी लाइफ अलग है, तो ये लाइफ अलग है। तो वहाँ पर अगर मैं जब स्टडीज़ में लगता हूँ तो ओनली फॉर स्टडीज़ टाइम, तो जब मेरा ऑफ टाइम रहता कभी कुछ भी मेरे को खाली रहा करा तो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, एडिटिंग भी वही टाइम पे करता हूँ। सो लिटरली आई एम लिविंग टू लाइफ्स, तो अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाओ, खाली इधर उधर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कुछ अच्छा करो, कुछ बेहतर करो और अपने आप को बेहतर बनाओ। सो ऑलवेज इवॉल्व योर सेल्फ, तो इट मीन्स अपग्रेड योर सेल्फ बाय द करंट वर्ल्ड। तो डोंट बी आउटडेटेड ऑलवेज, तो अपग्रेड योर सेल्फ एंड मेक द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। आपको कुछ भी करना है तो मल्टी टैलेंटेड बनो, डोंट फोकस ऑन ए सिंगल थिंग, फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स। तो आपको जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है मोटिवेशन करने के लिए, व्हेन यू हैव सक्सेस एंड व्हेन यू वांट सक्सेस, आपको फेलियर से कभी डरना नहीं पड़ता। तो ये याद रखो आप, फेलियर इज योर लेसन मैन, तो फेलियर से सीख के आप जो है सक्सेस कर सकते, ग्रैंड सक्सेस होती है आपकी। तो ऑलवेज डोंट थिंक कि रात रात आप सक्सेस पा लेते बोल के, सो इट वुड नेवर हैपन। व्हेनेवर यू फेस फेलियर्स द एंजॉयमेंट यू फील फ्रॉम द लाइफ इज इररिप्लेसेबल मैन। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। ऑलवेज ड्रीम्स रहना ज़रूरी है लाइफ में कुछ आगे बड़ा करने के लिए, तो ड्रीम्स देखो नए बोल के नहीं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करने रेडी रहो। इवन आपको स्मार्ट वर्क करना पड़े, हार्ड वर्क करना पड़े, आप रेडी रहो। We are at the fuel station. So these bikes literally drinks more than us, man. So these bikes literally want 100 octane petrol. बट इधर हमको 100 ऑक्टेन तो नहीं मिलता, सो आई प्रिफर फॉर भारत पेट्रोलियम, क्योंकि HP का भी बहुत ट्राई करा मैं, लेकिन आई डोंट फील बेटर देन भारत पेट्रोलियम। सो आई रिकमेंड भारत पेट्रोलियम, सो इसकी कोई मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल ऑफ भारत पेट्रोलियम इज फार बेटर देन HP। तो यही रीज़न है भारत पेट्रोलियम दलाने का, अगर हम हैदराबाद में होते तो 100 ऑक्टेन HP से दलाते, क्योंकि 100 ऑक्टेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म। आपको 10 रुपीज टू 15 रुपीज ज़्यादा होते लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म रहता। सो द पावर ऑफ द बाइक्स ऑल्सो कम्स इन दैट वे ओनली। Love the braking of this bike. So yep, we have reached जहाँ पर अपन को आने का था, टोल गेट। तो अभी यहाँ पर अपन ब्रेकफास्ट करेंगे, कर लेके जो है से देन हमारी राइड एंड करेंगे।
So yep, we are done with it. So let's go. तो जितना जल्दी हो सका ब्लॉग को एंड करेंगे, कहीं को बोले तो वीडियो भी बहुत बड़ी हो जा रही. आई डोंट प्रिफर लार्ज वीडियोस. एक तो पहले ही बाहरी बाइक्स रहते ही है, तो केयरफुली आपको होल्ड भी करना पड़ता. This ride was too exciting. So maza bhi aaya and we enjoyed a lot. So yep. एयर फिल्टर जो मैं आफ्टर मार्केट लगाया हूँ. दीज आर यूज इन द रेस ट्रैक्स. जो रेसिंग बाइक्स रहते हैं उसमें पीएमसी एयर फिल्टर, ये टॉप एंड जो फिल्टर्स रहते हैं ये यूज करते हैं. सो इट विल बी कॉस्ट यू अराउंड 8,000. तो बस एक फिल्टर डस्टर रहता, डस्टर का प्राइस ही 8,000 है. तो आप इसके पार्ट्स का आइडिया लगा लो, क्या क्या रेंज के रहते हैं, क्या रहती मेंटेनेंस, तो सब आप एक्सपेक्टेशन बना लेके रखो. मैं आपको रिवील करता हूँ, हर चीज़ का डिटेल देता हूँ. इंशाल्लाह नेक्स्ट से नेक्स्ट एक या दो ब्लॉग्स में जो है हम फुल डिटेल ऑफ द बाइक भी बनाएंगे, क्या क्या है क्या नहीं है. सो अभी एक 4 to 5 राइड्स के बाद फिर हमको सर्विस भी करना है बाइक को, कि 3 to 4,000 किलोमीटर्स हम रन कर लिए. सो दीज बाइक्स नीड एवरी 3,000 to 4,000 किलोमीटर्स एक सर्विसिंग इसको ज़रूरी है. सो सर्विस विल कॉस्ट यू मोर देन 10 to 12,000. सो यही है. दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ मेमोरीज बट इट्स मनी लाइक एनीथिंग मैन. बस अपना शौक करना है तो लियो गाड़ी. डोंट प्रीफर दीज बाइक्स टू राइड इन द सिटीज, क्योंकि सिटी के ट्रैफिक में जो है बहुत हीट हो जाते गाड़ियाँ, आप लिटरली टॉलरेट नहीं कर सकते. क्योंकि फेयरिंग वाले बाइक, सुपर स्पोर्ट्स बाइक जो भी रहते हैं, वो अपना पूरा जो है हॉट एयर जो है आपके थाइस पे मारते डायरेक्टली. बहुत प्रॉब्लम होता कूलेंट की, जो एयर रहती सीधा आपकी थाइस पर आती. आई डोंट प्रीफर दीज बाइक्स इन द सिटीज. जस्ट ये असल एक रॉ मशीन है, बस रेस ट्रैक्स के वास्ते है. बट वी आर इंडियन पीपल यूजिंग इन द इंडियन रोड्स. सो यप, लेट्स एंड द ब्लॉग हियर एंड अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.